50,000 रुपये का कॉम्पोजिशन है ये चीज़। और आज पूरी गाड़ी को स्पा मिलने वाला है, एकदम जैसे ह्यूमन लोग जाते हैं ना स्पा करवाने, वैसे ये कॉम्बिनेशन की वजह से पूरी गाड़ी स्पा करेगी। को बाहर ले आया हूँ, आप लोग जैसे देख पाए हैं अभी, आप लोग देखिए कितनी गाड़ी में, ऐसे तो क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, देखो मैं अगर फोकस करके बताऊँ आपको तो इस तरीके की धूल पूरी जमी हुई है मिरर और इन सब पे, ये भी क्लियर नहीं आप लोग देख सकते पूरा, ये आप लोग दिख नहीं रहा होगा लेकिन मेरे को जो दिख रहा है वो एकदम, एक बार मैं पूरा ओवरलुक आप लोगों को बता देता हूँ, बिफोर आफ्टर करके दिखा दूंगा। इंटीरियर इतना क्लीन तो नहीं है पर मैं इंटीरियर अभी साफ़ करने वाला नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे धूल जो है वो जमी नहीं है, और अभी मैं आपको फुल एक वीडियो बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके का फॉसेट मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर। अब ऐसे तो ये कोई ऐसा अच्छे खास काम का है नहीं, देख सकते हैं ये फुल के अंदर काफ़ी कम फोर्स दे रहा है, लेकिन इससे क्या ना पानी बच जाता है। वहाँ आप लोग अगर देखेंगे तो नल चालू है, पाइप के अंदर पानी है, और इससे क्या पानी जो है बच जाता है। सबसे पहले अभी मैं क्या करूँगा इसके ऊपर कि शावर पर ले आऊँगा इस तरीके से, और शावर दे दूंगा पूरी गाड़ी को ताकि सारी धूल जो है वो अलग हो जाए गाड़ी से। तो ये मैं करके आपको दिखाता हूँ फुल। फिर लोग क्या करते हैं ना कि वाइपर उठा के इस तरीके से छोड़ देते हैं, लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊं, ये देख सकते हैं मेरा अंगूठा काफ़ी क्लीन है अभी। अब देखिए अगर मैं वाइपर के ये ब्लेड के नीचे से ले जाता हूं तो देखिए कितनी धूल, कितने कंकड़ और ये सब निकला है इसके अंदर से। तो मेन चीज़ क्या है, इसको भी आप साबुन से वॉश करिए, ये जो ब्लेड है इसको भी आप इस तरीके से साबुन से इसको वॉश करिए, और प्रेशर वॉशर भी दीजिए, खाली ये वाइपर इस तरीके से उठा के मत रख दीजिए। अच्छे से वॉश कर दिया है और अभी डाल रहा हूँ। आप लोगों को पता ही है ये जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये कॉम्पोजिशन, ये 5,00,000 रुपये का कॉम्पोजिशन है, सॉरी 50,000 रुपये का कॉम्पोजिशन है ये चीज़।
और आज पूरी गाड़ी को स्पा मिलने वाला है, एकदम जैसे ह्यूमन लोग जाते हैं ना स्पा करवाने, वैसे ये कॉम्बिनेशन की वजह से पूरी गाड़ी स्पा करेगी और थंबनेल वीडियो आप लोग देख पाएंगे। को भी गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो ये आपका रेडिएटर होता है यहाँ पे, तो ये रेडिएटर को भी आप एक बार जो है वो धो लीजिए इस तरीके से, अंदर से ऐसे पानी डाल के जो है इस तरीके से यहाँ जहाँ पे भी रेडिएटर है ना आपका, ताकि ये रेडिएटर के अंदर कुछ कचरा जो है सामने की साइड से अगर अटका होता है, आप लोग देख सकते हैं अंदर रेडिएटर है, ठीक है, ये रेडिएटर होता है, तो कोई कचरा होता है ना तो उसकी वजह से ये जो है सब निकल जाता है, और कहीं पे ब्लॉकेज का भी टेंशन नहीं होता है, और कूलिंग है वो भी फटाफट हो जाती है इसके अंदर। धुल के हो गई है जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में किया था ना काम, ऐसा कोई ड्राई कपड़ा लेके अब वहाँ पे हम पोंछना चालू कर देंगे, ताकि अभी देखिए अभी मैंने यहाँ पोंछा है तो कोई दाग नहीं है, ठीक है। और इसी की बात अगर मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कैसे दाग पड़ गए हैं पानी के, तो ये हार्ड वाटर स्टेन होते हैं, खार पानी या पानी में खार जो बोलते हैं वो इस तरीके की होती है, वाइट कलर का पड़ जाता है। तो अभी ये पूरा एकदम क्लीन करके मैं आपको पूरा टोटल कॉस्टिंग बताता हूँ मेरे को कितने का पड़ा है, जैसे आप लोगों ने थंबनेल लिया उसमें टाइटल में पड़ा होगा 80,000 की वॉशिंग पड़ी है ये मेरे घर पर, तो मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगा कि किस तरीके से ये हुआ है, क्या कॉस्टिंग आया है, ठीक है। तो ये पानी के स्टेन सबसे पहले हम निकालते हैं, पूरी गाड़ी जो है साफ़ सुफ करके जो है मैंने पोंछ दी है, अभी आप लोग आफ्टर व्यू देख लो कि किस तरीके से हमारी गाड़ी जो है वो चमक रही है। अभी जो है मिरर के ऊपर अभी काम करना बाकी है तो वो मैं करता हूँ, जब तक मिरर के ऊपर दाग नहीं पड़ते हैं उसके बाद मैं काम करता हूँ, दाग पड़ने के बाद। तो बस लोगों को बताता हूँ कि मैंने जो ये मिक्सचर था वो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने हेड एंड शोल्डर लिया नीम का, उसके कम से कम 5 पंप हम इसके अंदर डालेंगे, 5 यहाँ पे हमने 5 पंप है इसके अंदर डाल दिए। ये एक दूसरा शैम्पू है इसको भी हम डालेंगे, उसके बाद ये एक केमिकल है जो कि गाड़ी के ऊपर से इजीली कचरा निकाल देता है, तो वो हम थोड़ा सा डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, बस। अब जो है इसको साफ़ कर लेंगे जो भी शैम्पू वैम्पू गिरा है, और इस तरीके का जो एक स्प्रेयर आता है उसको हम डाल के एकदम अच्छा मिक्स बना लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो था वो मेरा केमिकल है वो रेडी हो गया है, बस अब इसको थोड़ा सा मिक्स दे देंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये केमिकल है, ये फुल्ली रेडी हो गया है, बस अब इसको काड़ी पे डाल के सादे कपड़े से, जैसे रुमाल हो या कोई ऐसा कवर हो पिलो कवर जैसा, हाँ, गीला करके कपड़े को ये केमिकल डाल के बस पोंछ लेंगे। वैसे ये वीडियो था क्लिकबिट था, पर क्या कर सकते हैं, व्यूज सब्सक्राइबर आते नहीं है तो क्लिकबिट करना पड़ता है। Thank you for watching Indian Petrolhead.